फाइंस बवासीर फिशर की अगर तकलीफ रहती है तो काफी सारे पेशेंट्स या मरीज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, इनोब्लिस, पाइलेक्स, पाइलगो, एस्कॉट क्रीम, इनोब्लिस ऑइंटमेंट, ये सब ट्यूब जनरली टॉयलेट की जगह पे लगाने की ट्यूब्स है या क्रीम है जिससे आराम होता है। लेकिन काफी सारे मरीज मिस्टेक करते हैं लगाने के टाइम, उनको पता नहीं है कैसे लगाते, कितना लगाते, किधर लगाना है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे आपको ये मिस्टेक्स कम हो और आपको ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बेहतर मिले। तो जनरली इनोब्लिस ऑइंटमेंट, इसमें निफेडिपिन और लिग्नोकेन के तत्व है। निफेडिपिन ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिससे टॉयलेट का रास्ता, जो टॉयलेट के रास्ते के पास जो मसल्स है, जो रिंग है, जो बहुत टाइट रहती है आग के कारण, दर्द के कारण, इसको ये रिलैक्स करता है, यानी ये ट्यूब से ये आराम हो जाता है। ये स्पाजम जो रहता है, टाइट रहता है, ये रिलैक्स हो जाता है। इसके कारण दर्द तुरंत कम होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, और जो लिग्नोकेन का तत्व है इससे आपको दर्द कम होता है। तो बेसिकली ये सब ट्यूब लगाने से पहले आपको वॉशरूम में एक बार टॉयलेट साफ हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, उसके बाद आपको अच्छे से हाथ धो डालने, टॉयलेट का जगह को, एरिया को क्लीन कर देना पानी से या वाइप्स से। एक बार एरिया ड्राई हो जाता है तो आपको ये ट्यूब यूज करनी है। ये ट्यूब आपको कैसे यूज करनी है, तो इसको आपको खोलना है। पहली बार हम खोलते हैं तो ऑब्वियसली ये खोलना पड़ता है, फिर ये एप्लीकेटर इधर अटैच करते हैं, इसको घुमाया, इसको अटैच किया। अटैच करने के बाद ये हम इसके कैप को निकालते हैं, और कैप को निकालने के बाद सबसे पहले ये जो एरिया है, जो टिप है, ये टिप आपको चुप सकता है टॉयलेट की जगह पे। इसको पहले आपको लुब्रिकेंट जेली या फिर इसी ट्यूब से आपको थोड़ा सा प्रेस करके इसको पहले टिप के पास ट्यूब लगा के इसको पहले लुब्रिकेट कर देना, जिससे आप जब टॉयलेट की जगह पे लगाओगे तो आपको पेन ना हो। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग ये ट्यूब को बाहर लगा जाए, टॉयलेट के रास्ते के बाहर। बेसिकली फिशर टॉयलेट के रास्ते के अंदर की बाजू रहता है, बाहर दिखता है लेकिन अंदर की बाजू रहता है। तो जब ये ट्यूब अंदर जाएगी तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो ही आपका फिशर हील होने के चांस बढ़ते हैं। तो ये टॉयलेट का जो रास्ता रहता है, एनल कैनल, ये 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबी रहती है। तो अपने को 1 से 2 इंच तक अंदर ट्यूब लगाना है, नहीं ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है और ज़्यादा बाहर भी नहीं लगाना। अगर एक प्रॉपर जो 2 से 5 सेंटीमीटर का जो रास्ता है, वो रास्ते में ट्यूब लगेगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये टॉयलेट के रास्ते में आपको वॉशरूम होने के बाद एरिया क्लीन कर दिया, तो ये टॉयलेट के रास्ते में लुब्रिकेंट जैसे आपको टिप के पास लगाने के बाद अंदर डाला, और फिर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने से ट्यूब अंदर जाएगी और जो फिशर है उधर आपको आराम मिलेगा और आपको जल्दी रिलीफ मिलेगी। तो ये जो इनोब्लिस ऑइंटमेंट है, कोई कोई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कभी कभी अंदर ट्यूब बराबर जाता है नहीं जाता है, तो समझता नहीं है पेशेंट्स को। तो ये बहुत सारे मरीज बोलते हैं कि इनोब्लिस ट्यूब लगाने के टाइम समझता नहीं कि कितना ट्यूब गया, कभी कभी बराबर से कम ट्यूब जाता है, कभी कभी ज़्यादा ट्यूब जाता है। तो बेसिकली ये जो मेरे ध्यान में आया, तो मार्केट में एक दूसरी जो ट्यूब है वो फिडोइनल ऑइंटमेंट है। फिडोइनल ऑइंटमेंट एक एबॉट कंपनी से है। ये जो इसका जो तरीका है, बेसिकली इसमें दवाई सेम है लेकिन जो लगाने का जो टेक्निक है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है एक एप्लीकेटर आता है और एक सिरिंज जैसा एक चीज आती है, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे अटैच होता है। ये जो इसका जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा हटके है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो सिरिंज जैसा है, जो येलो कलर का जो है, इसे हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसको हम पुश करेंगे। पुश करने से देख रहे हो सिरिंज का प्लंजर ऊपर जा रहा है, तो ये ट्यूब इसमें भर गया है प्लंजर में या सिरिंज में। एक बार इसमें पूरी ट्यूब भर गई है तो अपने को पता है कि इतनी ट्यूब जाने वाली है, तो इसको डिटैच करके बाहर निकालते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि ट्यूब है। ट्यूब अंदर आने के बाद इसके ऊपर हम ये जो प्लंजर इसको लगाते हैं, तो ये इसमें ट्यूब रेडी है। इस्तेमाल करने से पहले कुछ अपने हाथ में ऐसा ट्यूब के साथ ये सिरिंज रहेगा। लगाने से पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये जो इसकी टिप है, जो एप्लीकेटर की टिप, इसके ऊपर थोड़ा सा ट्यूब बाहर लगा के उसको पूरा लुब्रिकेट कर देने का। इससे क्या होता है, आपको ये दर्द कम देता है और टॉयलेट की जगह पे लगाने में आसानी रहती है। काफ़ी सारे पेशेंट बोलते हैं लगाने के टाइम दर्द होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार ये टॉयलेट के रास्ते में अंदर हम डालेंगे
टॉयलेट के रास्ते में अंदर डालने के बाद इसको पुश करना, पुश करने से ट्यूब इसे बाहर आ जाएगी और अंदर का जो फिशर है या फिर मसे की जगह उधर एक ट्यूब बराबर से काम करेगी। एक बार ये आपको ट्यूब अंदर इस्तेमाल कर दे तो फिर वो एरिया को वॉश नहीं करना है पानी से, क्योंकि बाहर की जो स्किन है इसको वाइप कर देना है। अगर आप ये ट्यूब बाहर की स्किन पे या बाहर की चमड़ी पे लगाते हो तो फिर ये एरिया गीला रह रहे के उसमें इचिंग होने लगता है, डर्माटाइटिस हो जाता है और खुजली होती है और ये ट्यूब बराबर फिर काम भी नहीं करता और आपको रिजल्ट भी बराबर नहीं मिलता। तो सही तरीका लगाने का ये है कि आपको ये जो ट्यूब है टॉयलेट के अंदर के रास्ते में बराबर से लगानी है, 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में, ना तो ज़्यादा डीप ना तो ज़्यादा बाहर। दूसरा आपको ये हाइजीन मेंटेन करना, हाइजीन में आपको ये बराबर से हैंड्स वॉश करने हैं, उसके बाद आपको यूज़ करना है। एक बार आपने इस्तेमाल कर दिया ट्यूब, फिर एप्लीकेटर को आपको वापस खोलना है। ओके, खोलने के बाद वापस इसके ऊपर ये कैप लगाने के बाद इसको अच्छे से क्लीन एरिया में रख देना है। ये एप्लीकेटर को आपको सोप वाटर से अच्छे से वॉश करना है और ड्राई करने के लिए सुखा देना है। तो ये थी कुछ यूजफुल टिप्स पाइल्स फिशर क्रीम लगाने की और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मरीज अक्सर करते हैं। वीडियो पसंद आ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे रिलेवेंट हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।